सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बच्चों। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 2 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 6 का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, बहुत हो आप चुपचाप बैठो, ऐसा कब कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए कि बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो, ऐसा तब कहा जाता है जब हम बोलते रहते हैं और चुप ही नहीं होते। ठीक है, अगला प्रश्न हुआ है बहुत हुआ अब अंदर चलो, ऐसा कब कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि जब हम बाहर खेलने जाते हैं और हमें चोट लग जाती है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे कि जब हम बाहर खेलने जाते हैं और हमें चोट लग जाती है तब हमें कहा जाता है कि बहुत हुआ अब अंदर चलो। अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत हुआ अब सो जाओ, ऐसा कब कहा जाता है। तो जब हम पढ़ने के स्थान पर शैतानी कर रहे होते हैं, है ना, इसी उस टाइम पर क्या कहा जाता है, बहुत हुआ अब सो जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत हुआ अब टीवी मत देखो, ऐसा कब कहा जाता होगा आप लोगों को। जब आप लोग बहुत देर तक टीवी देख रहे होते होंगे, है ना, तो इसका उत्तर लिखिए जब हम बहुत देर तक टीवी देख रहे होते हैं तब हमें कहा जाता है बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूँगा, जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं, आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ, सोचो अगर बारिश हो ही ना तो फिर क्या होगा। तो बच्चों, बादल जब बहुत दिनों तक नहीं बरसा तो पानी नहीं बरसने के कारण लोग परेशान होने लगे होंगे, किसानों की खड़ी फसल पानी की कमी के कारण सूखने लगी होगी, लोग गर्मी से परेशान होकर होने लगे होंगे, है ना, नदियों में भी पानी सूखने लगे होंगे। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं हम लोग आज। ठीक है, तो फिर लिखेंगे आप कि चारों ओर कोहराम मचने लगा, फिर क्या लोगों ने मिलकर बादल को मनाने की सोची, वे सब बादल के पास गए और उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, बादल लोगों की प्रार्थना से पिघल गया यानी मान गया और तुरंत ही बरसा कर लोगों को सूखे और गर्मी से मुक्ति दिलाई, है ना बच्चों। एक प्रकार से आपको कहानी लिखनी है कि अगर बारिश ना हो, ठीक है, बादल बिल्कुल बरसना बंद कर दे तो फिर क्या हुआ होगा। तो ऐसा ही हुआ होगा कि चारों ओर सूखा पड़ गया होगा, लोग परेशान हो गए होंगे और सभी लोग किसके पास गए होंगे, बादल के पास उसे मनाने के लिए। तो अंत में क्या हुआ होगा, बादल मान गया होगा और उसने क्या की होगी, तुरंत ही वर्षा कर दी होगी और लोगों को गर्मी से और सूखे से मुक्ति दिलाई होगी, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे है प्रश्न, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। कविता में आपने चित्र देखा था, ठीक है, तो आपको बताना है कि इस कविता में जो चित्र था उसके हिसाब से कौन क्या कर रहा है। एक बच्चा देखा था ना आपने कविता में, एक बच्चा क्या कर रहा था बच्चों, चित्र बना रहा है, है ना, तो आप लिखेंगे चित्र बना रहा है। दूसरा बच्चा, उसमें आपने देखा होगा एक बच्चा छाता पकड़ा रहता है, तो आप लिखेंगे छाता पकड़ रहा है। बिल्ली कहाँ बैठी हुई थी, खिड़की पर बैठ रही है। आदमी छाता पकड़ कर बारिश में चल रहा है। एक बच्ची टब में नाव चला रही है। कुत्ता शरीर पर लगा पानी झार रहा है ना। तो इस प्रश्न को आप कविता को देखेंगे, उसमें चित्र बना हुआ है, उस चित्र के हिसाब से लिखना है कि उसमें एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, तो चित्र बना रहा है। एक दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, तो छाता पकड़ रहा है। बिल्ली क्या कर रही है, तो बिल्ली खिड़की में बैठी हुई है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, आदमी छाता पकड़ कर बारिश में चल रहा है। एक बच्ची टब में नाव चला रही है। कुत्ता शरीर पर लगा पानी झार रहा है, है ना बच्चों। इस प्रकार से हमारा जो पाठ 6 है यहीं पे समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस पाठ को अच्छे से याद करेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। जिस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है उसे मैं दे रही हूँ A+, ठीक है बच्चों। साथ में एक स्माइली पॉइंट भी आपको मिल रहा है और
आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। मैं फिर आऊँगी कक्षा 2 की हिंदी लेकर, तब तक बच्चों कीप स्टडी। थैंक यू।